G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए भारतीय रेल ने भी खास इंतजाम किए हैं और उनके अंदर आने वाले जितने भी पुल हैं या फिर हम कहें कि अंडरपास हैं उनको भी सजाया गया है। इस वक्त मैं भैरव रोड पर रेलवे अंडरब्रिज के पास मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इसको भारतीय रेल के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। एक तरफ आपको दीवार पर ये तस्वीर उकेरी हुई दिखेगी, ये तस्वीर पारंपरिक भारतीय रेल को दिखाती है जहां से रेलवे की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर पर जो ये इंजन बना हुआ है ये एक स्टीम इंजन है, यानी कि जो पारंपरिक यानी कि पुराने रेल के दर्शन आपको कराने वाला ये इंजन है। लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ की दीवार की अब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। प्रगति मैदान के बिल्कुल नजदीक ये अंडरपास भैरव मार्ग पर पड़ता है और सामने अब आपको बदलते हुए भारत की तस्वीर यानी कि भारत वंदे भारत एक्सप्रेस की तस्वीर आपको दिखाई देगी। तो एक ही तरफ दो दीवारों पर आपको इस तरह की तस्वीर दिखाई देगी जिसमें एक पारंपरिक रेलवे इंजन दिखाया गया तो दूसरी तरफ वंदे भारत यानी कि रेलवे में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो बदलाव आए हैं उसको भी यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है इन दोनों तस्वीरों में। दीवारों पर ही यहां पर आपको भारतीय संस्कृति की भी झलक हमने दिखाई, यहां पर आपको रेल में किस तरह के बदलाव हुए हैं उसकी भी तस्वीर साफ साफ यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरफ पारंपरिक भारतीय रेल और दूसरी तरफ आप देखेंगे सबसे विकसित वंदे भारत एक्सप्रेस को भी यहां पर दर्शाया गया है। पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है वो भारतीय रेल के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है और तमाम दीवारों पर अलग अलग कलाकृतियां यहां पर बनाई गई हैं। इन दो तस्वीरों के अलावा भी हम अगर बात करें तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हर तरफ G20 के रंग में रंगी हुई दिल्ली आपको यहां पर दिखाई देगी। और अब हम आपको भारतीय कलाकृतियों के भी दर्शन कराते हैं जो कि G20 मेहमानों के लिए खास रूप से यहां पर उकेरे गए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ये पेंटिंग्स आप देखिए, ये मधुबनी पेंटिंग्स की झलकियां आपको दिखेंगी यहां पर। पूरी की पूरी दीवार को कलाकारों ने अपने हाथ से सजाया है तो भारतीय कला के दर्शन भी यहां पर आपको मिलते हैं, सांस्कृतिक धरोहर भी दिखाई देती है और सनातन परंपरा के भी दर्शन आपको एक ही अंडरब्रिज के नीचे ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं जो कि भारतीय रेल के द्वारा कराई गई है। TV9 भारतवर्ष के लिए विपुल के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।